शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। शराब के कई मामलों में फरार चल रहे कुख्यात माफिया रोशन ओझा उर्फ टंटू आखिरकार मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के कारण वह कोर्ट में सरेंडर किया। जानकारी के अनुसार सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिनों खबरा में छापेमारी कर उनके घर के बाहर खड़ी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया था। इस दौरान उनके पिता गोपाल ओझा को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस टीम को आता देख भाग निकला था। पिछले कई महीनों से वह पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। सदर थाना के ALTF प्रभारी रामजीत कुमार व दरोगा जैनेन्द्र झा ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर सदर के अलावे करजा तुर्की ओपी समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी कर रहे थे। वह बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। पुलिस के दबिश के कारण मंगलवार को वह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इधर मामले में थानेदार सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस इलाके का कुख्यात शराब माफिया है, इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें वह वांछित रहा है। अंततः वह कोर्ट में सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। रोशन ओझा, रोशन कुमार उर्फ टंटू, पिता गोपाल ओझा, खबरा निवासी, इस थाने का कुख्यात शराब व्यवसायी स्मगलर जो कहें उसे, हम लोग उसके पीछे लगातार जो है छापेमारी कर रहे थे और काफ़ी बरामदगी भी हुई पिछले दिनों उसके बथान से। एक कार में भरा हुआ 120 लीटर विभिन्न महंगे ब्रांडों के शराब बरामद की गई थी और उसमें उसके पिता गोपाल ओझा को जेल भेजा गया। उसमें भी वो निकल भागा। पिछले कई कांडों में वो वांछित रहा है। लगातार पुलिस के छापेमारी के दबाव में अंततः आज माननीय न्यायालय में सरेंडर कर गया है। चाहेंगे कि उसको जो है पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करें और बाकी जो अन्य कांड हैं उसमें उसको रिमांड करें। इससे जो है इस क्षेत्र में शराब की आवागमन निश्चित ही बंद होगी। उसके साथ और किसी की संलिप्तता सामने आई है? अभी तक उनके एक भावो वो जेल गए, उसका पिता जेल गया है और उसके दो सहयोगी जो मादक द्रव्य का भी जो है स्मगलिंग करते थे उन्हें पिछले दिनों जेल भेजा गया है। इस तरह से एक गिरोह हम लोग वहाँ पे लगभग समाप्त किए हैं।